हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लैमर वुला चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाईलाइट और ग्लोबल कैसे करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे क्लाइंट के हेयर हैं जो प्रॉपरली वर्जन हैं और इनके कोई भी पहले केमिकल या फिर कलर नहीं हुआ है। सो आज की जो वीडियो है हमारी काफ़ी ही नॉलेजबल प्लस इंफॉर्मेशन वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जितनी भी मेरी नई नई वीडियोस हैं आपके तक पहुंचती रहें नोटिफिकेशन के साथ। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डायमंड सेक्शन। डायमंड सेक्शन मैंने जो स्टार्ट किया है अपना मिड ऑफ द आईब्रो से लेकर बॉक्स एरिया पहले निकाला है। सो अब आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से अपना डायमंड सेक्शन निकाल लिया है बैक से। सो मैं इसको अच्छे तरीके से लॉक कर दूंगा और साथ ही साथ मैंने पार्टीशन की है एयर टू एयर। आप देख सकते हो मैंने पार्टीशन कर ली है एयर टू एयर। और बाकी बचे हेयर को मैं मिड पार्टीशन में डिवाइड कर दूंगा। सो एक साइड। सो अब मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्ट फ्रॉम द नेप एरिया। सो मैंने एक सेक्शन छोड़ दिया है बिकॉज उस सेक्शन पे मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, मैं उसके ऊपर वाले सेक्शन के साथ हाईलाइट करूँगा बिकॉज जो मैंने छोड़ा है उसके ऊपर मैं करूँगा ग्लोबल। सो अब मैं स्टार्ट करूँगा वीविंग। सो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, विच इज़ माई फेवरेट टेक्निक। तो जैसे ही आप हाईलाइट स्टार्ट करोगे आपको फॉयल को अच्छी तरह प्लेसमेंट करना है और उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो है लगाना है हेयर के ऊपर। सो जब भी आपने हाईलाइट करनी है सो ब्रश को आपने हॉरिजॉन्टल एंगल से लगाना है प्रोडक्ट को और फिर बाद में नीचे जो लेंथ पे है उसको वर्टिकल एंगल में लगाना है। सो जिससे आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह सैचुरेट हो जाए। फॉयल को अच्छी तरह दोनों साइड से लॉक करना है ताकि प्रोडक्ट जो आपका बाहर ना निकले और प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज ना हो। सो ऐसे ही हमने एक सेक्शन छोड़ा और दूसरा सेक्शन हमने लिया, दूसरा सेक्शन की हमने हाईलाइट की। सो जैसे ही हमारी हाईलाइट कंप्लीट होगी तो जो बाकी बचे हेयर पे हम प्रोडक्ट लगाएंगे वो हमारा ग्लोबल कलर होगा। सो जैसा ही हमने एक साइड कंप्लीट कर ली तो दूसरी साइड लगाना है फॉयल, एक सेक्शन छोड़ के, और दूसरे सेक्शन पे हमने हाईलाइट करनी है। सो जैसा ही हमने प्रीवियस किया था सो अब मैं हाईलाइट्स की वीविंग निकाल रहा हूँ। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अगर आप भी ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हो मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पर। और काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं और आप YouTube पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि फॉयल को अच्छी तरह दोनों साइड से लॉक कर लो, जितना हो सके उसको लॉक करो बिकॉज़ आप जब भी ग्लोबल और हाईलाइट दोनों एक साथ करते हो सो कभी कभी आपका जो ग्लोबल का हेयर कलर है आपके हाईलाइट के ऊपर आ जाता है जिससे आपका रिज़ल्ट पैची हो सकता है या वहाँ पे एरिया डार्क हो सकता है। सो कभी भी आपके फॉयल जो हैं ज़्यादा लूज़ ना हो। सो आप देख सकते हो मेरी हाईलाइट बहुत ही अच्छी तरीके से निकली हुई हैं। सो मैं ये हाईलाइट इतनी स्लो ताँ कर रहा हूँ ताकि आपको टेक्निक पता चले और आप भी करें।
सो जैसे ही मेरे बैक साइड से फॉयल लग जाएंगे, सो मैंने स्टार्ट किया है एयर टू एयर, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है अपना डायमंड सेक्शन, जो कि हम बॉक्स एरिया भी बोलते हैं जिसको। सो यहाँ पे हमने हाइलाइट्स ज़्यादा निकालनी है, एटलीस्ट 8 or 7 हाइलाइट्स दिखनी चाहिए, और जिससे हमारी हाइलाइट की विजिबिलिटी ज़्यादा हो। जो भी हमारे ब्रेकेज हेयर हैं या बेबी हेयर है, हम उसको ऐसे प्लेसमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा हाथ लगाकर, और प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सैजुरेट करना है। प्रोडक्ट में कभी भी आप कंजूसी मत करो, अच्छे से लगाओगे और वन टाइम में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। सो सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो पैची हो जाता है। द रीज़न इसी कारण होता है पैची, बिकॉज आप प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सैजुरेट नहीं करते हो। सो जब भी आपने प्रोडक्ट लगाना है, अच्छे से सैजुरेट करना है। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कंप्लीट कर ली है। सो अब मैं करने जा रहा हूँ ग्लोबल। ग्लोबल के लिए मैं मैट्रिक्स का कलर यूज़ कर रहा हूँ, मैट्रिक्स कलर 5N है विद द 20 वॉल्यूम, बिकॉज मेरे क्लाइंट के ग्रे हेयर हैं। सो मैं 50 ग्राम कलर मिक्स कर रहा हूँ इसमें, नेचुरल बेस है, और 50 ग्राम मैं कलर करूँगा फैशन शेड। और मैं फैशन शेड कर रहा हूँ लाइट ब्राउन गोल्ड 5G, जो कि मैट्रिक्स का वंडर ब्राउन सीरीज़ है। सो वंडर ब्राउन मेरी फेवरेट सीरीज़ है। सो जब भी मैंने वार्म टोन करनी होती है, सो आई ऑलवेज़ प्रेफर वंडर ब्राउन सीरीज़। सो इसको मैं मिक्स करूँगा 20 वॉल्यूम के साथ। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जो मेरा बाकी बचा हेयर है उसके ऊपर मैं ग्लोबल अप्लाई करूँगा, 5G लाइट ब्राउन गोल्ड और 5N। मैंने इसलिए प्रेफर किया कि मेरे क्लाइंट का जो नेचुरल बेस है वो 4 है। सो वो चाहती है कि मेरा नेचुरल बेस एक लेवल ही लिफ्ट हो। सो मैंने प्रेफर किया उसको 5N विद द वंडर ब्राउन। सो एक लेवल मैंने लिफ्ट करना है, सो मैं इसको 20 वॉल्यूम के साथ ही लिफ्ट कर सकता हूँ। सो आप भी 20 वॉल्यूम के साथ ही लिफ्ट कर सकते हो। अगर क्लाइंट चाहता है कि मुझे 2 लेवल ऊपर चाहिए या 3 लेवल ऊपर चाहिए, सो आप यूज़ करो 30 वॉल्यूम। सो ये हमारी फाइनल लुक है। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट भी किए और ग्लोबल भी किया, और क्लाइंट का नेचुरल बेस भी चेंज हो गया। सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। सो अगर आप भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।